बीजेपी के लिए उपचुनाव की राह इतनी भी आसान नहीं जितना बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है। हालात ये हैं कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हाट पिपलिया से चुनाव लड़ते आ रहे दीपक जोशी अपने तेवर दिखा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा तक ये सफाई दे रहे हैं कि दीपक जोशी को पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बदनावर के भंवर सिंह शेखावत के सुर धमकी भरे हो गए हैं। इस सीट से सिंधिया समर्थक राजवर्धन दत्तीगांव को बीजेपी से टिकट मिलना तय है, जबकि इससे पहले तक भंवर सिंह शेखावत यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। यानी दत्तीगांव को टिकट मिला तो भंवर का सियासी करियर भी खत्म हो जाएगा। ये नौबत आने से पहले ही भंवर सिंह ने विरोध मुखर कर दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शेखावत ने साफ कहा कि उनका अगला फैसला क्या होगा ये पार्टी के उनके साथ बर्ताव पर निर्भर करेगा। इशारा साफ है, बीजेपी की एक गलत चाल बदनावर सीट पर बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है।